नाजिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो यूट्यूब पर वायरल है कि एक खातून जो है वो दावा कर रही है, पाकिस्तानी खातून जो है ये दावा करती है जी कि 12 साल से वो जिन के निकाह में है और अब उसका जो बच्चा है वो पैदा करने वाली है, उसे जन्म देने वाली है। तो ये सारा मामला सामने आया है, इस पर आज बात करेंगे। जो अहम तफसीलात आपको मैं सामने रखूंगा, ना सिर्फ इस खातून बल्कि इसके अलावा जो आपके जहन में सवाल हैं, जो इस वक्त ये वीडियो चूंकि वायरल है और जो इंटरव्यू लिया गया है वो तो खातून से ले लिया गया। खातून ने यह दावा कर दिया कि मैंने निकाह किया है, 12 साल से मैं एक जिन जो है उससे मैंने शादी कर रखी है और अब उनका जो बच्चा है वो मैं पैदा करने वाली हूँ। उस जिनजादे के हवाले से क्या इंकशाफात सामने आए हैं और क्या इसमें सच्चाई है, ये मामला है क्या, इस खातून के पीछे ये असल कहानी क्या है या असल जो तफसीलात हैं वो मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। मेरा नाम सैयद जीशान रसा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं पिछले 15 साल से जो है वो मुख्तलिफ जो न्यूज चैनल्स हैं उसमें काम करता रहा हूँ और अभी भी एक बड़े चैनल में काम कर रहा हूँ। और जर्नलिस्ट जो होता है उसकी कोशिश होती है कि हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें और आपके जो अहम ये जो टॉपिक है, क्योंकि इस वक्त ये वीडियो वायरल है, हर शख्स ये जानने की कोशिश कर रहा है कि असल हकायक क्या है, तो वो सारे हकायक मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले वो इंसान है जो इस दुनिया में आए, इसी तरह पहला वो जिन जहां से जिन्नात की नस्ल चली है तो वो मारिज कहा जाता है। ये मारिज वो पहला जिन जो है उसे तख्लीक किया गया था और वहां से आगे नस्लें चली और जिन्नात की 10 मशहूर नस्लें हैं जिसमें मादर है, अफरीत है और नस है, हमजाद है। तो जिन हम इंसानों की जो नस्ल है ना वो तो एक ही है। हाँ, ये होता है कि रंग हमारे तब्दील है, किसी का सफेद है तो किसी का काला है, सिया रंग है किसी का सांवला है, लेकिन जिन्नात की जो नस्लें हैं वो काफी अलग है। टॉपिक पे आएंगे, पॉइंट पर आएंगे कि हमारा जो असल टॉपिक है, कोशिश होगी वक्त आपका जाया ना हो, कम से कम वीडियो बनाई जाए, अहम सवाल जो है जवाब दिए जाए। ये औरत कहती है कि वो जिन्ना जिनके साथ जिनजादे के साथ उसने निकाह कर रखा है और काफी अच्छे से जिनजादे के साथ जिंदगी गुजार रही है। इंटरव्यू किया है एक ब्लॉगर ने, इंटरव्यू करने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पार्ट नंबर 1 इसका आया, पार्ट नंबर 2 में एक आमिल जो है उसे भी बिठा दिया गया और खातून जो है वो उसका कहना है कि जी मैं जिनजादे के साथ खुश हूँ और मैं उसके साथ ये जिंदगी गुजार रही हूँ और मेरे घर वालों को एतराज था, मेरे फैमिली को एतराज था उसके साथ निकाह करने पे, लेकिन वो मुझसे अलग हो गए और मैं अब अपने इसी घर में रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, अपने शोहर के साथ रहती हूँ और मेरा जो शोहर है मेरा ख्याल रखता है। अब ये जो एक खातून ने दावा किया है, क्या इस दावे की असल हकीकत के पीछे मतलब इसकी असल हकीकत क्या है, ये क्या पहली खातून है जिसने ये दावा किया या इससे पहले भी कुछ खातून दावा कर चुकी हैं या कोई मर्द दावा कर चुके हैं? इस पर जब मैंने रिसर्च की तो मामला कुछ यूं है कि ये पहली खातून नहीं है, ये पहली अपनी नौजत का वाकया नहीं है जिसमें खातून ने दावा किया है कि उसकी शादी एक जिनजादे के साथ हो चुकी है और पिछले 12 साल से उसके साथ वो जिंदगी गुजार रही है। इससे पहले एक खातून ने 8-9 माह पहले एक वीडियो सामने खातून की आई थी यूरोप में से, उसने कहा कि मैं अब जिन से जो है वो तलाक लेना चाहती हूँ और मैंने तलाक ले ली क्योंकि वो कहीं और उसके कुछ जो मतलब किसी और को उसे पसंद करने। अब यहां पर बात करेंगे कि क्या मर्दों के साथ भी जिन्नात जो मोनस है यानी फीमेल है वो अटैच हो जाती है? जी बिल्कुल। देखिए इस पर सबसे अहम चीज तो ये है कि कुरान मजीद में जिन्नात के हवाले से वो तमाम तफसीलात जो है वो मौजूद हैं, बाकायदा तौर पर तमाम जो इस हवाले से कुरान मजीद ने हमारी रहनुमाई की है। जिन्नात का जो वजूद है वो मौजूद है इसी दुनिया में। कुछ लोग, अब वो जो व्लॉगर है वो उस व्लॉगर के सवाल थे कि जिस चीज को मैं देख नहीं सकता मैं कैसे उसको उसका इकरार कर लूं, मैं कैसे मान लूं, कैसे तस्लीम कर लूं। सवाल तो दुरुस्त है लेकिन इसका जो जवाब है वो ये है कि जिन्नात जब चाहते हैं कि कोई शख्स हमें देखे तो वो तभी देख पाता है। जिन्नात की मर्जी के मुताबिक आप उसमें देख सकते हैं और अगर वो नहीं चाहते तो फिर आप नहीं देख सकते। जिस जो उनका महबूब होगा वो उसको नजर आएंगे और अगर अगर जिन्नात नहीं चाहते तो फिर उसे भी दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं।
जिन्नात की, जैसे मैंने आपको पहले नस्ल के बारे में बताया, तो मैं आपको यहां एक इंकशाफ करूं कि जिन्नात की एक नस्ल है नस-नस। जो नस-नस है वो इंसान, और ये बड़ी दिलचस्प बात है, मतलब जो जिन्नात का अमले तौलीद है उस पर भी मैं बात करूंगा। ये वो बातें वो तफसीलात जो आज से पहले आपको कभी किसी ने बताई होंगी। अमले तौलीद क्या है, क्या इंसान और जो जिन्नात है इनके मिलाप के बाद क्या जो बच्चा पैदा होगा वो इंसान ही होगा या फिर जिन्नात होगा। तो इस पर जब हमने रिसर्च करते हैं तो जो अगर इंसान खातून बच्चा पैदा करेगी तो वो इंसान ही, और अगर अगर हम बात करें जिन फीमेल यानी मोनस अगर बच्चा पैदा करती है इंसान का, तो यानी उसकी शादी हो जाती है इंसान के साथ, तो फिर जो बच्चा पैदा होगा वो जिन होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो इसमें ये कोई ड्रामे या फिल्म की कहानियां नहीं, मैं आपके सामने जो असल हकायक हैं, जो इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, जिन लोगों ने जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो इसके ऊपर काम करते रहे, मैं वो तमाम रिसर्चेस आपके सामने रख रहा हूं। और ये भी आपको बता रहा हूं कि आमिल देखिए हमारे मुल्क में बड़े बड़े अच्छे अच्छे आमिल हैं। अच्छा, उन आमलों को यूट्यूब या सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती, तो जिसके पास कुछ होता है लोग खुद ही उसके पास जाते हैं और बगैर वो किसी लालच के लोगों की मदद करते हैं। अच्छा, तो इस पर जो रिसर्च मैंने की, मैंने सारे वो सवाल वो सब तमाम चीजें जो आमिल थे उनके सामने रखी, उनसे कुछ जवाब लिए, कुछ मैंने किताबें पढ़ी, कुछ चीजें मैंने कुछ तारीख का जायजा लिया, तो वो सारी तमाम चीजें मेरे सामने आई कि बहुत से ये जो वीडियो है ये बड़ी अहम वीडियो जो मैं आपको वो तमाम तफसीलात बता रहा हूं, मैं व्यूज हासिल करने के लिए रिपीटेड जो चीजें हैं जो वो चीजें आपके सामने नहीं रख रहा, मैं आपको असल जो हकायक है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आपके इस वक्त जहन में दिमाग में जो चल रहा है, जो आपके जहन में चल रहा है, जो आप जानना चाहते हैं, जो तफसीलात आप वो आपके सामने रखनी जरूरी है। सबसे पहले तो बताऊं मैं आपको कि जिन और इंसान की दोस्ती हो जाती है। अच्छा, बाज़ुकात कुछ लोग अमल कर रहे होते हैं तो उनके सामने आ जाते हैं, कुछ दोस्त बन जाते हैं। अच्छा, अब उसमें ये है कि ये ऐसा नहीं है कि जिन मर्द जो है वही अपना जो है वो पसंद कर लेते हैं इंसान खवातीन को, नहीं, बाज़ुकात ऐसा होता है कि जिन मोनस यानी जिन फीमेल जो है वो भी पसंद कर लेती है मर्द इंसान को, मर्द इंसान। अच्छा, उसमें जो सूरत हाल होती है, बाज़ुकात शादी होती है, बाज़ुकात वो शादी नहीं करती, वो साथ रहते हैं, लेकिन इंसान और जिन्नात ये इन दोनों की जो जिंदगी है वो तो बहुत ही डिफरेंट होती है, बहुत मुख्तलिफ होती है, यानी इनकी शादी कामयाब होना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जिन्नात खुद गर्ज होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि इंसान और जिन्नात में फर्क, उनका जो नजरिया उनकी सोच, जिन्नात को आग में से पैदा किया गया है, उनकी जो तख्लीक है वो बगैर धुएं की आग है, बगैर धुएं की आग से उनकी तख्लीक हुई, अब जिन्नात की बगैर धुएं की जो आग है उससे तकलीफ हुई है। उसके बाद अमले तौलीद जो है उसके बारे में कुछ मालूमात ये मिलती हैं कि अगर एक जिनिया यानी जिन मोनस जो है वो अगर बच्चों की को पैदा करती है तो वो 80 से 81 अंडे देती है, यानी कि एक नई आपको मैं बात बता रहा हूं कि बताया ही जाता है, लेकिन इसके ऊपर मेरा ये कहना, मैं ये कुछ मालूमात सामने आई है, लेकिन मेरा मैं इस मामले पे इससे इत्तफाक नहीं करता हूं। मेरा ये कुछ जो मालूमात है वो ये है कि इंसान की जैसे अफजाइश होती है इसी तरह जिन्नात की भी होती है, इंसान की जैसे शादियां होती हैं जिन्नात की भी होती हैं, इंसान का जिस तरह जनाजे होते हैं फौतियां होती हैं उनकी भी इसी तरह से जनाजे और फौतियां होती हैं, तो खुशी गमी जिस तरह इंसानों में पाई जाती है इसी तरह जिन्नात में पाई जाती है, नस्लें तब्दील हैं, बहुत सी इकसाम हैं, जिन्नात हमसे इंसानों से कई गुना बढ़ के हैं, हमारे आस पास दाएं बाएं बहुत सारे जिन्नात मौजूद होते हैं, हमें पता नहीं होता, हमारी जो आंख है वो उनको देख नहीं पाती है, हम पहचान नहीं पाते हैं, इसी वजह से हमें लगता है कि सिर्फ दुनिया में हम ही मौजूद हैं और जिन्नात का वजूद शायद नहीं, जिन्नात का वजूद मौजूद है। और जैसे कि ये ब्लॉगर कह रहे थे जिन्होंने इंटरव्यू किया कि मैं हम देखना चाहते हैं या आमिल देखना चाहते हैं, हाँ चंद एक आमिल हैं जो सही मायनों में आमिल होते हैं, उनको दिखाई भी देते हैं, वो अमल करते हैं, हाजिरी हो जाती है, लेकिन हर शख्स उनको नहीं देख सकता। अभी खातून जो है अगर तो ये कह रही है, इनके इस दावे को मैं हम गलत करार नहीं दे सकते हैं,
हो सकता है कि इनकी शादी हो चुकी हो और जिन्नात के जिनके साथ वो जिंदगी गुजार रही हो, तो इस इनके जो ये जो दावा है ना खातून का, उसको हम गलत नहीं कह सकते। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई क्योंकि इससे पहले शादियां हो चुकी हैं और इस तरह के वाकयात पहले सामने आ चुके हैं, या फिर नोयत तो कोई पहला वाकया नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे इंटरनेट पे, आप रिसर्च कर लें, एक घंटा निकालें, आधा घंटा निकालें, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब कितने दफा ऐसा भी हुआ है कि जिन मोनस जो है वो इंसानों पर आशिक हो जाती हैं और जिन जो मर्द है यानी कि जिन जो मुजक्कर है वो इसके ऊपर जो खवातीन है, इंसान खातून है, खवातीन है, उनके ऊपर आशिक होता है। अब ये जो इसमें बात अगर करें हम कि बच्चा पैदा जो होगा वो इंसान होगा जिन होगा, जो बच्चा पैदा होगा अगर जैसे ये खातून कह रही है कि वो बच्चे को पैदा करने वाली हैं जिन ज़ादे के, तो जो बच्चा पैदा होगा वो इंसान ही, इसके वो कह रही है, वो अल्ट्रासाउंड भी करवा चुकी है। ये बहुत बड़ा दावा है अपने नौयत का, बहुत बड़ा दावा है और इससे पहले भी चीजें कुछ सामने आई हैं। तो इंसान और जिन में शादी हो सकती है, लेकिन इस शादी को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत तकलीफ दे होता है, क्योंकि इंसान का मिजाज, इंसान की सोच, उसका जो तरीकेकार है जिंदगी का, इंसानों का और जिन्नात का बहुत तब्दील होता है। हमें हमारे रिश्ते, हमारे अजीज, हमारे करीबी जो रिश्ते हैं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन जिन्नात की अपनी एक जिंदगी होती है, वो अपने तौर पर जिंदगी गुजारते हैं, वो आसमान और जमीन इनके दरमियान में रहते हैं। इसलिए हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो आप घर तामीर करवाएं वो ऊंचे घर तामीर मत करवाएं, बुलंद इमारतों को तामीर मत करवाएं। तो इंसान और जिन्नात में बहुत फर्क है। जिन्नात जो है वो ज्यादातर खजूरों के झुंड में या वीरान मकाम पर, वीरान जो जगह होती है वहां पर रहते हैं, जंगलात में रहते हैं, कुओं में रहते हैं, पुराने जो कदीम कुएं होते हैं वहां पर रहते हैं। तो जिन्नात का वजूद मौजूद है, जिन्नात मौजूद है, बहुत सी नस्लें हैं, अफरीद जो है वो सबसे कदावर और ताकतवर जो जिन है उनमें से एक नस्ल है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है उनके जिन्नात ताबे थे। जिन्नात की जो अगर हम बात करें तो रफ्तार बहुत तेज होती है, इंसान से वो ज्यादा ताकत रखते हैं, इंसानी शक्ल अख्तियार कर सकते हैं, जानवर की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। तो ये बहुत से मुख्तलिफ इकसाम के जिन्नात पाए जाते हैं और मुख्तलिफ इकसाम होती हैं इनमें। तो इसमें कुछ ऐसे जिन्नात हैं, अब खुराक की ये बात क्योंकि वो तमाम वो सवालात हैं जो ब्लॉगर पूछना चाह रहा था उस जो खातून जिन्होंने दावा किया है उनके जवाब दे रहा हूँ कि जिन्नात अगर आपका जो शोहर है वो खाता क्या है, जिन्नात खाते पीते क्या है। कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो मतलब अगर कुछ खाना कहीं पक रहा है तो वहां से गुजरते हैं, उसको सूंघ के महसूस करते हैं और उनका जो भूख है वो मिट जाती है। कुछ जिन्नात ऐसे हैं जो हिरन का गोश्त खाना पसंद करते हैं, जिन्नात को मिठाइयां बहुत ज्यादा पसंद है, मीठा खाना उन्हें बहुत पसंद होता है। तो ये जिन्नात जो है वो उनके, हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि हर टाइप मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ नस्लें हैं जिन्नात की, तो हर नस्ल के जिन जो है उनका जो खाने पीने की जो गजा है वो पसंदीदा अलग है। कुछ जिन्नात मिट्टी है, कुछ जिन्नात कुछ मतलब ये मुख्तलिफ जिन्नात की अपनी अपनी नस्लें हैं, कुछ कदावर होते हैं, कुछ छोटे कदे होते हैं। तो ये वो तफसीलात है। और अगर कोई आमिल ये मेरी वीडियो देखता होगा तो वो इस मेरी तमाम बातों से जो है वो तायद करेगा मेरी बातों की। और जो ये जो खातून ने दावा किया है ना, इस तरह की अगर हम बात करें तो बहुत सारी वो खवातीन या बहुत सारे वो इंसान मर्द हैं या खवातीन है इंसान जिनके साथ इसी तरह बीत रही होती है वो किसी लेकिन हर मर्द या हर औरत तो किसी जिन के साथ अटैच नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे भी वाकयात सामने आए हैं जिसमें मर्द खातून है या मर्द जो जिन है उनके दरमियान रिश्ता हो जाता है। और इस तरह की जो चीजें कई सामने आ चुकी है पहले भी कि अब बहुत सारे लोग हैं जो अटैच हैं किसी ना किसी के साथ। तो नाज़रीन जहां मैं अहम बात कर रखूंगा आपके सामने कि बहुत सारे अब ये खातून जो हैं ये सामने आ गए, इन्होंने दावा कर किया सामने आके कहा कि जी मैं जिन के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ। बहुत सारे वो मर्द, बहुत सारी खवातीन हैं जो जिन्नात के साथ जिंदगी गुजार रही हैं, लेकिन वो ओपनली अपने इन बातों का को नहीं बताना चाहती है, अपनी प्राइवेसी अपनी प्राइवेसी लाइफ को नहीं सामने रखना चाहती है। और जरूरत भी नहीं होती है, हर शख्स की अपनी जिंदगी है, लेकिन ये चूंकि मालूमात सामने आ चुकी है, एक खातून ने जो है ये बताया है कि वो जिंदगी गुजार रही है। तो
इस तरह की जो चीजें हैं वो दुनिया में चल रही हैं, मौजूद हैं, और इस पे हम ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, अमाल हैं, अमलियात हैं, वो करने से सारी आपको मालूमात मिल जाती है, लेकिन उसके पीछे कोई एक अच्छा उस्ताद होना चाहिए जो आपकी रहनुमाई करे, नहीं तो गलत जो अमल करने से वो चीजें फिर आपके पीछे लग जाती हैं, वो चीजें फिर आपको जिंदगी का सुकून बर्बाद कर देती हैं, वो फिर आपको जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं, बर्बाद। और अगर हम बात इसका नतीजा निकालें, फाइनल नतीजा जो निकालेंगे ना इस, ये जो वीडियो सामने आई है इसका, तो अगर तो वो उनकी हैप्पी लाइफ गुजर रही है जिनके साथ, जिनजादे के साथ, तो ठीक है। ऐसे माजी में भी सामने चीजें मैंने आपको बताया कि आती रही, तो इसमें जो कामयाब शादी बहुत कम होती है, वरना जिन मर्द या मतलब जिन मुजक्कर या जिन मोनस की अगर इंसान के साथ जिन शादी हो जाए तो उसे गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कहीं जाते हैं तो आप कैसे कहाँ कहेंगे कि जी मेरे साथ मेरी बीवी मौजूद है या मेरा शौहर मौजूद है, जो जिन है वो ना दूसरों को तो दिखाई नहीं देगा। इसके साथ और भी बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो जो लोग ये कहते हैं चुटकी बजा के अमल करने से हर चीज हाजिर हो जाती है, जो भी उनको खाने में आपको पसंद होगा वो ला देंगे, ऐसा नहीं होता, मुश्किल होता है। उनको भी सफर करना पड़ता है, तय करना पड़ता है, ला सकते हैं, लेकिन इतनी इंसान अशरफ मखलूकात है, कहा गया है अशरफ मखलूकात इंसान को, इसी तरह जो जिन्नात हैं वो उनकी एक्सेस होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर कहें उनको हुक्म करें तो वो सारा सोना उठा के आपके सामने रखें। हाँ, ये जरूर है कि वो जो नामुमकिन है उसको मुमकिन बना सकती है, ठीक है, ये उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ ये जो तमाम सवालात थे, नतीजा ये निकाला कि शादी बहुत डिफिकल्ट होती है और इस तरह के जो केसेस हैं वो बहुत ही कम सामने आते हैं। अच्छा, इसमें एक पहलू हम दूसरा भी रखते हैं कि क्या जो खातून या जिसने दावा किया है, क्या इसका दिमागी नफसियाती तौर पे इससे कोई मसला तो नहीं है? तो इस पर अगर हम रिसर्च करें तो ये बात सामने आती है कि नफसियात या बाजू का होता है, कुछ औरतें जो होती है तनहा रहती हैं, उसके बाद वो अपने जहन में अक्स कर लेती हैं कि शायद उनके साथ कोई कोई चीज रह रही है, या लेकिन इस पे अगर हम इसके बरक्स अगर हम चलते तो ये जो दावा है वो सच्चा साबित होता है। क्यों? क्योंकि जो इससे पहले वाकयात सामने आ चुके हैं, तो ये खास